Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Guys, welcome back to my channel, Miss Sandy. मैं हूँ लुबना वेग और आगे मैं आपके लिए एक और मजेदार सी वीडियो लेकर. So I'm really sorry, guys. इससे पहले जो सैटरडे था उसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि आप सबको पता ही है एक्चुअली हुआ था कि मैंने वीडियो बनाकर रख ली थी एंड एडिट एंड ऑल सब हो चुका था. बट एक्चुअली हुआ क्या, जब मैंने अपने फ़ोन को अपडेट किया तो वीडियो बस अब लाइक वो वहाँ से जा चुकी थी, वैनिश हो चुकी थी वहाँ से वो. सो मेरे को बहुत उस टाइम डिसअपॉइंटेड फील हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर दूँ तो मेरा थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे एंड आप लोग समझोगे भी मेरी बात. सो फिर उसके बाद मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पर पोल डाला था कि आपको क्या चाहिए, माय हेवन कलेक्शन और माय पर्स कलेक्शन. तो सबसे ज़्यादा जो वोट है वो आए थे माय हेवन कलेक्शन पर. सो आई एम गोना मेक दिस वीडियो टुडे. एंड हाँ, आज सैटरडे को मैंने वीडियो अपलोड करी, अब हर सैटरडे को वीडियो अपलोड होगी, चिंता बिल्कुल मत करना. और हाँ, स्टे ट्यून्ड. पर सबसे पहले हमें एक चैलेंज करना होगा, आपको सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन और वो बेल बटन है ना, इससे आप नोटिफाइड रहते हो, इन तीनों बटन्स को अपने थंब से 5 सेकंड्स में आपको क्लिक करना है. सो रेडी, 1, 2, 3, 4, 5. इफ यू डिड इट सो वेरी गुड. सो नाउ एक्चुअली गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने हेवेंस का एक 360 degree का व्यू दे देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा. सो हियर आर माई हेवेंस. ये सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ये इतने सारे हेवेंस ये कैसे पकड़ी है. ये एक स्टैंड में लगे हुए हैं जो कि एक DIY स्टैंड है. अगर आपको वो स्टैंड बनाना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर बना सकते हो. तो ये जो स्टैंड है बहुत ही, इसमें टाइम लगा था मुझे एक्चुअली. ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरे सारे हेयरबैंड्स हैं इधर, इनमें से एक मैंने पहना भी हुआ है पिंक कलर का. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ मैं इसको रख लेती हूँ. तो सबसे पहले ये छोटे से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, ये एक हेयरबैंड है देख सकते हैं. इसमें कम से कम पूरे 6 pom-poms है, पिंक कलर का हेयरबैंड है एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल. सो द नेक्स्ट हेयरबैंड इज़ अ रेड कलर हेयरबैंड, उस पर रेड ब्लू और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, आप एक्चुअली देख सकते हैं. एंड इट्स वेरी स्लिमी ना, मेरे को इसलिए पसंद आया था क्योंकि बड़े बड़े हेयरबैंड्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ एक्चुअली. बहुत जो थोड़े थिन से होते हैं ना तो मेरे को पसंद नहीं आते हैं वो. इट्स वेरी स्लिमी, सो आई लाइक इट. नेक्स्ट हेयरबैंड देखते हैं. तो नेक्स्ट हेयरबैंड ये जो है ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट में दिया था, मतलब कोई मेरा बर्थडे नहीं था, बर्थडे पे हेयरबैंड कौन देता है. सो या मेरा बर्थडे नहीं था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने Q&A वीडियो में कि मेरी सबसे फेवरेट प्रिंसेस है रैपन्ज़ेल. सो मेरी मम्मा को भी ये पता था. सो ये है एक लाइट ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा सा हेयरबैंड और उसके साइड में एक बो बना हुआ है जिस पर रैपन्ज़ेल बनी है. ये देखिए, एक्चुअली मेरे को ये बहुत ही क्यूट लगता है, इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है. सो या नेक्स्ट हेयरबैंड. सो या द नेक्स्ट हेयरबैंड इज दिस 3 combo है. मैं आपको पहले तीन एक एक करके दिखा दूँ. सो इट्स अ ब्लैक प्लेन हेयरबैंड, लेकिन इसके जो आपको दिख रहा है वो आपको ये लीजिए. सो या इसके 3 combos हैं. पहला तो है यही, आप देख सकते हैं जो कि अभी स्माइल कर रहा है. नेक्स्ट जो हेयरबैंड इज दिस स्लिमी अगेन प्लेन पिंक हेयरबैंड, इट्स अ डार्क पिंक कलर. सी नेक्स्ट वही कॉम्बो में से आ चुका है एक, ये देखिए अगेन ये वही ब्लैक कलर का हेयरबैंड है, लेकिन इसमें ये स्माइल कर रहा था हंसकर अपने दांत दिखाकर, ये इसमें स्माइल कर रहा है सिंपल. या सो नेक्स्ट हेयरबैंड है ये वाला हेयरबैंड. ये जो हेयरबैंड है ये मेरे को मेरी दीदी ने गिफ्ट करा था एंड आई रियली रियली लाइक इट बिकॉज ये जो हेयरबैंड का कलर है आई रियली ऑब्सेस्ड. देखिए आप कितना प्यारा कलर है, मतलब एक डार्क पर्पल कलर है, मेहरून सा है, मेहरून तो नहीं है कह सकते. यहाँ पे कॉर्नर में एक फ्लावर बना हुआ है, इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा सा बीड है
पे चारों तरफ ऐसे स्टार्स से स्पार्कल से लगे हुए एंड द कलर वॉज वेरी प्रिटी. 7-8 छोटू सा थिन है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थिन है, ज़्यादा नहीं है. एंड इट्स आपको अभी यहाँ से शायद दिख जाए, दिख तो रहा है लेकिन मैट फिनिश का है ये हेयरबैंड, देख लीजिए. और फिर जो डिज़ाइन बना था इसकी वजह से मैंने ये हेयरबैंड लिया था, ओनली फ्रॉम द डिज़ाइन, बिकॉज इट्स डिज़ाइन लाइक वेरी हिस्टोरिकल डिज़ाइन ना. ये देखिए मुझे अच्छा लगा. नेक्स्ट हेयरबैंड इज दिस क्यूटी पाई हेयरबैंड. आपने एक ना एक वीडियो में शायद ही देखा होगा क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है. एंड दिस हेयरबैंड वॉज गिवन बाय माई भाभी. अब आप सोच रहे कौन सी भाभी? वो वाली भाभी जो आपने मेरे 2 के सेलिब्रेशन में देखी थी वीडियो कॉल पर. सो या उन्हें दिया था मुझे पिंक कलर का एंड शी लिव्स इन दिल्ली. या तो इस पे यहाँ ये तो पहले पूरा डार्क पिंक कलर का है, फिर बो पे जो है ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए हैं एंड इन द सेंटर देर इज़ अ वेरी बेबी पिंक कलर फ्लावर. या आई रियली लाइक इट पिंक. सो या द नेक्स्ट 2 आर द सेम बट द कलर आर डिफरेंट. सो या दिस इज अ नॉट द प्लेन, इट्स अ वाइट कलर हेयरबैंड लाइक. इस पे यहाँ पे है ना ब्लैक कलर के ऐसे डॉट्स बने हुए हैं पूरे पे. सो या नेक्स्ट है ये रेड कलर का सेम शेप है बस इस पर बने हैं वाइट डॉट्स. नेक्स्ट है बैंड इज DIY बाय मी. एंड दिस हेयरबैंड इज माई फेवरेट. बहुत ही प्यारा मैंने जो बनाया था देख सकते हैं आप. इसके जो कॉर्नर है ना अच्छी तरीके से एकदम लग गए थे तो मेरे को लग रहा था कि ये बनाया नहीं है मैंने, मैंने कहीं से लाया है. पर्पल कलर का हेयरबैंड है. द नेक्स्ट हेयरबैंड इज ऑल्सो DIY बाय मी. दिस हेयरबैंड आपने मेरी फर्स्ट स्टिचर वीडियो में उसको देखा ही होगा क्योंकि मैंने उसको लगाया था. ये देखिए इससे फिर से वाइट हेयरबैंड है लेकिन इस पर जो शीट लगाई है मैंने वो पिंक कलर की लगाई है और इसके चारों तरफ वाइट पॉम पॉम नहीं है, पिंक कलर के पॉम पॉम है. तो द नेक्स्ट हेयरबैंड इज फ्रॉम दैट कॉम्बो दैट स्माइलीज कॉम्बो दिस टूज कॉम्बो. फिर ये जो लास्ट है ये लास्ट है एंड दिस वन इज माई फेवरेट. दिस इज लाइक द नेक्स्ट हेयरबैंड इज दिस वेरी वेरी फैंसी हेयरबैंड दैट आई गॉट फॉर माई ड्रेस. वेरी वेरी क्यूट हेयरबैंड, रेड है पूरा. इसका यहाँ पे रोज लगा हुआ है, फिर रोज के यहाँ पे पीछे कुछ लीव्स बने हुए हैं छोटे छोटे से. मुझे बहुत ही प्यारा लगता है हेयरबैंड, मैं उसी ड्रेस पर ज़्यादातर पहनती हूँ. ऐसे कभी कभी कुछ ड्रेस पर मैच हो जाता है तो आई यूज टू वेयर इट. या सो द नेक्स्ट हेयरबैंड इज सो फ्लफी, आई लाइक इट. आप देखिए कितना फ्लफी होगा और इसके ऊपर जो बीड्स लगे हैं ना एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं. एंड दिस इज ऑल्सो गिफ्टेड बाई फ्रॉम माई मदर. सो उसकी वजह से मेरे पास एक और हेयरबैंड है, ये वाला है वेन यू ये वाला. तो इसमें एक्चुअली ये मेरे को भाभी ने दिया था, मेरी 2K सेलिब्रेशन वाली भाभी ने उन्होंने दिया है. तो इस पे ना ब्लैक और वाइट कलर का आपको शेड दिख रहा होगा एंड इट्स ऑल्सो 2-2-2 फ्लफी. सो या द नेक्स्ट वन इज सो जॉइंट. सो दिस इज दिस बनी हेयरबैंड, दिस इज माय फेवरेट. ओह माय गॉड दिस इज माई फेवरेट. एक्चुअली हुआ क्या था देखो एक सेकेंड. सो एक और हेयरबैंड है, ये मिनी माउस का हेयरबैंड जो कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा. सो ये जो एक्चुअली जब मैं स्कूल से आई थी तो हुआ क्या था, मैं स्कूल से आई तो उसके बाद मेरी मम्मी कहती है कि लुबना जल्दी से कपड़े चेंज कर लो बेटा, खाना वाना खा के तुम्हारे लिए हम कुछ लेकर आए हैं. तो आई वॉज लाइक मम्मी क्या लेकर आई? मम्मी ने कहा मैं नहीं बताऊँगी, बस तुम उससे खुश हो जाओगी. तुम रुको बहुत पूरा था कुछ अंदर अंदर. सो जब मम्मी ने मेरे को पॉलिथिन दी तो व्हेन आई ओपन्ड इट आई वाज लाइक थैंक यू. द नेक्स्ट हेयरबैंड इज दिस वन दिस एंड ये भी मेरी भाभी ने दिया है, 2K सेलिब्रेशन वाली भाभी ने. सो इसमें ये किटी हेयरबैंड है. नेक्स्ट हेयरबैंड इज दिस पॉम पॉम हेयरबैंड, ये भी आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा. मैं सारे हेयरबैंड तो लगा डाले यार, आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ मैं भी. ये देखिए ये है मेरा हेयरबैंड पॉम पॉम ब्लू कलर का फ्लफी फ्लफी सा.
So the next heaven is the last heaven, last but not the least. This ब्लैक कलर का हेवन है, पॉम पॉम लगे हुए हैं, पॉम पॉम के ऊपर बनी के जो है ईयर्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं ब्लैक हेवन है, ब्लैक पॉम पॉम्स हैं, ये वाला हेवन, चोटी वाला हेवन, ये तो ज़्यादा लोगों के पास होता ही है, मेरे को पता है, यहाँ से तो पूरा ब्रेडेड पूरा ब्रेडेड है, बस नीचे से थोड़े से बाल खुले पड़े हैं, जब मैं उसको लगाती हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बाल आ गए, मतलब बाल तो है लेकिन लंबे हो गए मेरे को, ये मैसेज 2-in-1 हेवन, इट्स अ हेवन प्लस अ कैप, इट्स अ मिनी माउस, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ 1 सेकेंड, या सो दिस वर्क्स लाइक दिस, सो इसके ईयर्स हैं बहुत ही बड़े हैं मिनी माउस के, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो या अब हम इसको यही लगा के रखेंगे, इसको हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, सो ये मैंने लगा लिया, और भी हेवन्स हैं, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, सो गाइस वाला हेवन तो आप लोगों ने देखा ही होगा हर जगह, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई बाय इट, सो ये नॉट वाला हेवन है ना, ये नॉट वाला हेवन स्ट्रेचेबल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा, एंड नेक्स्ट हेवन है ये भी, और इलास्टिक वाला है, प्लास्टिक नहीं है, ये देखिए ब्लैक कलर का है, उस पर वाइट कलर के स्टार्स बने हुए हैं, सो या नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वायर वन, दिस वन सी, ये वाले हेवन उस टाइम इतने ट्रेंडिंग में चले थे जब मैंने लिए था, ये देखिए कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, और कपड़ा का जो प्रिंट है ना वो आप देखोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा इस कपड़े से, ये देखिए कितना प्यारा कपड़ा है, एंड हमें जितना जैसा भी मोड़ना हो ना हम इसको मोड़ सकते हैं, सो या दैट्स इट फॉर अवर टुडेज़ वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, अपनी भैया मामी चाचा चाची दादा दादी सबसे शेयर कर देना, कोई तो लाइक करेगा, आप लोग तो करते नहीं हो क्योंकि मैं तो आपको देखती हूँ, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप आजकल, सो मेरी हर सैटरडे वीडियोज़ आती हैं, तो या अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी अगले सैटरडे को, तो ये थी, अगर वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगले डे, बाय बाय।